बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। डॉक्टर यामीन कुरैशी आपके दरमियान मौजूद है और आज हम मौजूद हैं केयर की ऐसी पर्सनैलिटी से मिलवाने जा रहे हैं जिनका ताल्लुक हेल्थ से है, शोबा हेल्थ में। केयर न्यूज़ ने हमेशा केयर की उन लोगों की जो इंसानियत की बका और केयर की खदमत करते हैं, उनकी केयर करते हैं। तो आज हमारे दरमियान ऐसी शख्सियत मौजूद है। आज मैं मौजूद हूँ आयशा मंजिल पर। आयशा मंजिल पर पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एडवांसमेंट में, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एडवांसमेंट पीमा। आयशा मंजिल से लेफ्ट हैंड पे गुजरते हुए जब ब्रिज आप उतरते हैं तो लेफ्ट हैंड पे आपने देखा होगा कि जी पीमा का एक इदारा मौजूद है जो कि कार्डिक के प्रॉब्लम्स में माशाल्लाह से इनकी खदमात हैं, कैंसर पे इनकी खदमात बहुत बेहतरीन रही हैं, गैंग्रीन पे इनकी खदमात हैं, और आपने देखा होगा बाईपास न करवाएं, चलिशन थेरापी कराएं। ये चलिशन थेरापी क्या है और क्या है इस इदारे के CEO जनाब मोहतरम डॉक्टर नजमू तारिक साहब आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। डॉक्टर नजमू तारिक साहब से जानेंगे कि ये इदारा कब से है और आपका एम क्या है। डॉक्टर नजमू तारिक साहब के बारे में मैं आपको बता दूं, ये वन एंड ओनली डॉक्टर हैं जो कि अमेरिका रिटर्न हैं, अमेरिका में फार्मासिस्ट डॉक्टर हैं, और इनकी जो खदमात हैं मैं यहाँ आपको दिखाते चलूँ कि जी ये यहाँ जो पेशेंट आते हैं, गैंग्रीन के जो पेशेंट आते हैं, कैंसर के जो पेशेंट आते हैं, वो रिकवर होके जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। पहले तो अपने इदारे के बारे में बताइए कि कब से है और आपका इदारे का मकसद और एम क्या है। हमारा इदारा सन 2000 से है और इसका मकसद ये है कि क्लेशन थेरेपी, ऑक्सीडेशन, और मतलब ये है कि मतलब डायबिटीज रिवर्सल, कैंसर रिवर्सल, हार्ट अटैक रिवर्सल, तमाम बीमारियों का रिवर्सल प्लान है। और जो मतलब जो मेन स्ट्रीम मेडिसन है उसकी जो खराबियाँ उसे दूर करना है, सर्जरी के बगैर काम करते हैं। और मतलब ये कि हमारे अपने मतलब प्रोडक्ट्स हैं जिसकी वजह से हम ये कि उसको मतलब लेके चलते हैं, और जिससे मतलब हार्ट अटैक रिवर्स हो जाता है, कैंसर रिवर्स हो जाता है, डायबिटीज रिवर्सल हो जाती है, एड्स रिवर्सल है, हेपेटाइटिस सी रिवर्सल, तमाम बीमारियों की रिवर्सल हो जाती है, जिसमें ऑक्सीजन का मेन रोल है। ऑक्सीडेटिव थेरेपी जो है वो मतलब 100 साल से हम अमेरिका यूरोप में राइज है और ये पाकिस्तान में नहीं आई। मैं क्योंकि क्या वजह है ये पाकिस्तान में क्यों नहीं, यानी कि जी ये ऑक्सीडेटिव थेरेपी मैंने भी देखी आपकी, आपके यहाँ अभी रिसेंटली एक गैंग्रीन का पेशेंट आया, आप उसकी थेरेपी दे रहे थे, उस डिवाइस के बारे में बताइएगा। और ये क्या वजह है, क्यों राइज नहीं है, क्या ऑक्सीडेटिव थेरेपी को यहाँ क्यों राइज नहीं होने दिया जा रहा, और चिलेशन थेरेपी को क्यों नहीं राइज होने दिया जा रहा, उसकी क्या वजह है। चिलेशन थेरेपी पंजाब में तो हो रही है, मतलब यहाँ पे भी, कराची में भी है और मतलब कम है। मैं ये कि क्लेशन जो है एक डिटॉक्सिफिकेशन अमल है जो इंसानी जिसम में बहुत कमज़ोर है उसको इनहांस करना पड़ता है। इसके इनहांस करने में उस तरह दवाइयाँ खासतौर से EDTA और क्लोरीन डाइऑक्साइड और ओजोन जो है इसमें बहुत इफेक्टिव रोल प्ले करते हैं। फिर यहाँ पर राइफ मशीन है, राइफ मशीन में भी 5000 फ्रीक्वेंसी है जो कि जो मतलब मुख्तलिफ बीमारियों के रिवर्सल में काम करती हैं, क्योंकि 1930 की मशीन है जिसमें शॉर्ट वेव हैं और इलेक्ट्रिक वेव्स हैं। 1930 में इनके लैब पे हमला किया गया अमेरिकी हुकूमत ने, फिर उसको मतलब तहस नहस कर दिया, उन्होंने 5 मशीनें बेच चुके थे। उसके बाद फिर ये कि ये 100% जो चूहे थे उनको उन्होंने मतलब कैंसरस बनाया, उनका इलाज किया मशीन से, तो वो सब सही हुए। उसके बाद इंसान जिनको कैंसर था वो ठीक हुए। हमारे यहाँ भी ये 22 साल से ये जो इदारा कायम है और हमारे यहाँ हज़ारों मरीज सही होके गए हैं जिनके नंबर भी आपको प्रोवाइड किए जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, यकीनन ये एक बेहतरीन काम है मैं देख रहा हूँ। डॉक्टर साहब आजकल एक बीमारी चल रही है लिम्पी स्किन के बारे में भी कुछ आप बात कर रहे थे, तो वो जो कसाब हजरात हैं जिनकी जो जानवर जो हैं मुतासिर हो रहे हैं उनके हवाले से भी आपके पास कोई फार्मूला है, तो उसके हवाले से भी थोड़ी सी आगाही दीजिएगा हमारे देखने वालों को। उसके लिए हाइड्रोजन परऑक्साइड 50% वाला ले लिया जाए मतलब कच्ची गली से, और मतलब 4000 लीटर पानी में डाल के उनको पिलाया जाए। फिर ये स्प्रे बोतल में जो हाइड्रोजन परऑक्साइड 3% वाला ले लें, उसमें आधा पानी मिला लें, और वो जानवरों के जो जहाँ पे जो मतलब दाने हो गए वहाँ पे इस स्प्रे करें। उसके अलावा क्लोरीन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो इसकी टैबलेट मिल जाती हैं और उसकी लिक्विड भी मिल जाता है। फिर ये कि ओजोन का चैम्बर बनाया जा सकता है इन जानवरों के लिए, उसमें ओजोन किया जा सकता है। ये तमाम चीज़ें मिला के फिर इसको DMSO भी इनको पिलाया जा सकता है, DMSO को स्प्रे भी किया जा सकता है। DMSO जो है दवाई को अंदर ले जाएगा, ख़ासतौर से ये ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन परऑक्साइड की ये इनके जिस्म अंदर चली जाएगी और वहाँ पर उनको वहाँ रिलीफ मिल जाएगा।
अगर फर्ज करें ये गोश्त धोने के लिए जो जो है जहनों में बात आ रही है, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के पानी से गोश्त धोया जा सकता है, इससे जो खदशा है तो वायरस आ गया है। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ हम एक बात मेरे जहन में आ रही है कि जी यहाँ लोग आते हैं तो वो जो तरीका इलाज है, बहुत सारे लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये तरीका इलाज होम्योपैथिक है, ये तरीका इलाज एलोपैथिक है, या तिब है, या न्यूट्रिशन है, क्यों, क्या आप ये तरीका इलाज कौन सा है, इस तरीका इलाज के बारे में बताइए। इंटीग्रेटिव मेडिसिन है सर। अच्छा। इंटीग्रेटिव मेडिसिन हम अमेरिका में पिछले 70 साल से कायम है, उसके स्कूल्स भी हैं वहाँ पे और कॉलेजेस भी हैं जहाँ पे इस्तेमाल मतलब पढ़ाया जाता है। पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं है इसका कोई? पाकिस्तान में नहीं है। आज का इंटरव्यू हमने एक इंट्रोडक्शन ही इंटरव्यू था और कुछ थोड़ा सा डॉक्टर साहब के बारे में बताना था। डॉक्टर साहब, आप अमेरिका में फार्मासिस्ट की हैसियत से रहे और मैंने पढ़ा है वहाँ पे कैपिटल यूनिवर्सिटी ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन में, इंटीग्रेटिव वहाँ पे मेडिसिन मतलब प्रैक्टिस भी की है। अच्छा माशाल्लाह, ये इंटीग्रेटिव मेडिसिन की प्रैक्टिस भी की है, तो आप जैसे कोई डॉक्टर हमें यहाँ, मुझे तो अभी तक नजर नहीं आए, तो क्या इंटीग्रेटिव मेडिसिन की कोई डॉक्टर्स हैं यहाँ पे? यहाँ पे इंटीग्रेटिव मेडिसिन डॉक्टर नहीं। हाँ देखें, जैसे कि जी मैंने आपको बताया था कि जी ये वन एंड ऑनली है डॉक्टर साहब जो है नजमुद दारी की, हमारा सरमाया है, और मैं ये आप लोगों से भी दरख्वास्त करूंगा जो मेरे देखने वाले हैं कि डॉक्टर साहब के लिए भी दुआएं खैर किया करें, अल्लाह पाक इनको लंबी सेहत वाली जिंदगी अदा फरमाए। ये इंटीग्रेटिव मेडिसिन जो है ये एक बेहतरीन तरीका इलाज है, जिससे बेजरर तरीका इलाज है डॉक्टर साहब। इसमें क्लोरीन डाइऑक्साइड यूज करते हैं जो कि आईवी ओरल टॉपिकल इस्तेमाल किया जा सकता है, और वो मतलब ऑक्सीडेशन करेगा, ऑक्सीडेटिव प्रोसेस में मतलब दिल की शेयरें खुल जाती हैं, डायबिटीज़ में मतलब डायबिटीज रिवर्सल हो जाता है, क्योंकि डायबिटीज़ में जो खलिया होते हैं इंसान के जिस्म के वो मतलब सख्त हो जाते हैं, और उनके माइटोकॉन्ड्रिया जो ट्विस्ट हो जाते हैं, वो उसको ऊपर मतलब ग्रीस जम जाती है खलियों पे, तो ये ऑक्सीजन ही उसी को उसको डिटर्जेंट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वहाँ पर मतलब ये कि आई वी भी दिया सकता है, ओवरऑल टॉपिकल ये सब करने से, और ये मतलब अंग्रेजी दवाइयाँ बंद करने से इंशाल्लाह। आप इस वीडियो के जरिए आप हमसे रابطہ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम्स हो तो हमारे नंबर्स भी स्क्रीन पे मौजूद हैं, आप हमसे रابطہ कर सकते हैं, हमारे सेंटर आ सकते हैं आयशा मंजिल पे, और फीस भी डॉक्टर साहब आपकी फीस भी यहाँ बहुत नॉर्मली है, इसके हवाले से भी जो है थोड़ा सा बताएं। फीस जो है 1000 रुपये, इसमें मतलब लाइफ मशीन कर देते हैं, ओजोन कर देते हैं, आई वी कर दवाइयाँ भी देते हैं। बेहतरीन डॉक्टर साहब, ये एक बड़ा बेहतरीन पैगाम है आपका, अल्लाह पाक आपको, आपके जो मकसद है आप मकसद लेके चल रहे हैं, मेरा ताल्लुक आपसे बहुत अरसे से है और मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, यकीन अल्लाह पाक आपको इस मकसद में कामयाबी अता फरमाए, और पीमा का जो आपने जो इदारा बनाया है इसका नाम ही आपने पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एडवांसमेंट रखा है, अल्लाह पाक के पाकिस्तान की तरह इसको सेहत व सलामती के साथ तंदुरुस्ती के साथ कायम और दायम रखे, और आपके लिए हमारी दुआएं कि आप हमेशा सेहत व सलामती के साथ तंदुरुस्ती के साथ कायम और दायम रहें। आप तमाम देखने वालों को भी शुक्रिया, मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा ताकि अवामुन्नास में ये आगाही पहुँचे। बहुत शुक्रिया।